कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है वैसे ही स्टूडेंट पर डिग्री काइंड ऑफ हमारे लाइफ का हिस्सा बना हुआ था। इस तरह से हम करते थे, जो हम स्टोन पैडिंग करते थे, ग्रुप होता था, गांव के लोग होते थे। प्रैक्टिकली जब हमने देखा कि ये चीजें हुई कि नहीं हुई, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो कॉपी प्रोपेगेंडा थी। और साथ साथ में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह के जो उन्होंने स्टेप उठाए। हाँ, सो लड़की तो मर जाती थी, सिविलियंस की बात कर रहा हूँ, यानी स्टोन पैडिंग या बाकी चीजों में। After the application of Article 37, एक कैजुअलिटी भी नहीं हुई यहाँ पे। कॉलेज बंद हुआ करते थे, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हुआ करते थे। सो आई मस्ट अप्रिशिएट करंट रिजिम, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस, जो ऑर्गेनाइज करने में, मोबिलाइज करने में उन चीजें करते थे, जो मैं उनको पैसा उनको डेफिनेटली मिलता था। आजादी का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। इफ यू आर नॉट विद आजादी, देन यू आर नॉट अ मुस्लिम। There are army dynamic of our role that definitely they are protecting, they are the saviors, they are the protectors of India. Basically, कहने का मतलब है कि that Kashmir was a graveyard and जहाँ पे funerals को celebrate किया जाता था, जहाँ पे deaths को celebrate किया जाता था, जहाँ पे बर्बादी को जल्द celebrate किया जाता था। हमारे साथ हैं वजाहत, और वजाहत बारामुल्ला के रहने वाले हैं। वजाहत पहले स्टोन पेंटिंग में इन्वॉल्व थे, उसके बाद उन्होंने उसको क्विट किया और अभी वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और तमाम समाज के लिए अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं। हम लोग वजाहत से जानेंगे कि वो दौर क्या था और अब का दौर क्या है। वजाहत, आपका पूरा नाम क्या हुआ? वजाहत फारूक भट्ट। और आपकी उम्र कितनी होगी? 28 राइट नाउ। 28। तो वजाहत, मैं आपके बारे में लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि आप भी स्टोन पेंटिंग में इन्वॉल्व थे। तो स्टोन पेंटिंग में आप कैसे आए, क्या समय था वो, क्या दौर था वो, उसके बारे में हमें बताएं थोड़ा। सी एक्चुअली क्या है कि दैट यू नो इट्स 2014 एंड 2015 की बात है अप्रॉक्सीमेटली, एंड इट्स नॉट लाइक मैं ही करता था, बल्कि एक यहाँ पे एक ऐसा माहौल था जहाँ पे यू नो एवरीबडी यूज टू डू दिस थिंग्स एंड फॉर अस इट वॉज नॉर्मल। स्टोन पेंटिंग करना इट वॉज नॉर्मल, जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है वैसे ही स्टोन पेंटिंग भी काइंड ऑफ एक हमारे लाइफ का हिस्सा बना हुआ था। So we used to do these things and जैसे शौकन भी करते थे and there were some other things in our mind जिसके लिए हम करते थे and this is how you know ये चीज़ें चलती थी। तो क्या होता था दिमाग में जब स्टोन पेंटिंग करते थे, तो दिमाग में क्या होता है, क्यों करते थे? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि दैट एज आई ऑलरेडी सेड कि दैट जो इस तरह से हम करते थे, जो हम स्टोन पेंटिंग करते थे, ग्रुप होता था, गांव के लोग होते थे, टाउन में जाते थे, बाकी चीज़ें, ये डेफिनेटली एक एंगर था स्टेट के खिलाफ, कंट्री के खिलाफ, यू नो देयर वर सम पीपल, यू नो हमें बचपन से इसका मतलब बचपन से हमें देखा है, सुना है, यू नो देयर वर सम थिंग्स 1953 में जो चीज़ें हुई थी, 47 में इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट, फिर सेपरेट स्टेट थी, यू नो ऐसा हुआ वैसा हुआ, जुल्म में बाकी चीज़ें हैं, सो इट वॉज जस्ट फॉर दीज दोज थिंग्स ना हम करते थे। सो बेसिकली हमारे कंसेप्ट देयर वॉज अ नैरेटिव, देयर वॉज यू नो जो इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस थी ऑन ग्राउंड की, जनाब जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं इट्स फॉर आवर कश्मीर एंड ऑल दैट, सो वी नीड अ कश्मीर सेपरेट स्टेट एंड दिस इज आवर राइट, ये चीज़ें चलती थी। बट विद द टाइम वी अंडरस्टैंड व्हाट द रियलिटी इज, सो फ्रॉम काइंड ऑफ आई कैन से दैट एक स्टोन पेंटिंग से हमने वी स्टार्टेड आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट वाज टोटली यू नो आई कैन से दैट जो चीज़ें हमारी रही उसके बाद वो टोटली सरप्राइजिंग था, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो चीज़ें हमने देखी। वजाहत, यू सेड कि आपके दिमाग में ये था कि पुलिस आर्मी ये दुश्मन, मतलब ये कहाँ से आया दिमाग में कि ये लोग जो है हमारे दुश्मन है? सी वी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि दैट आज के कश्मीर में क्या देखता हूँ कि दैट देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामिया, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुर्रियत, एंड सिंस बिगिनिंग सिंस स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि दैट वी हैव इनके इंटरव्यूज हमने देखे, इनके आर्टिकल्स देखे, इनके मैगजीन्स हुआ करते थे जहाँ पे हमने देखा कि दैट दे वर ऑलवेज राइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द इंडिया एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, डिफरेंट ये चीज़ें हमें बताई जाती थी, जुल्म हो रहा है जनाब, वो हो गया जनाब, ये चीज़ें होगी, इन्होंने ये किया। बट प्रैक्टिकली जब हमने देखा कि ये चीज़ें हुई कि नहीं हुई, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो टोटली प्रोपेगेंडा थी, तो मिसलीड अवर नौजवान जो हमारे थे। सो विद द टाइम इट वॉज डेफिनेटली आई मस्ट से दिस थिंग दैट जमात इस्लामिया जिनका नैरेटिव था, आज जो एलिशन लड़ रहे हैं वी वेलकम सिस्टम, बट ये है कि दैट
तीन जनरेशन हमारे बर्बाद करके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं. एंड दूसरा ये कि दैट सेपरेटिस्ट जो हुर्रियत वाले थे दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस. सो ये है कि दैट वंस दे वर कॉलिंग जो हम वोट करते थे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे हम बिलीव करते थे दे यूज टू कॉल अस ये कि हराम है दे यूज टू कॉल अस कि बातिल है ये मुश्किल को साथ देने वाले ये डेमोक्रेसी जो निज़ाम है इसके खिलाफ हुआ करते थे. नाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेसी में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड दैट्स मैं देखता हूँ कि एक अचीवमेंट है एक सक्सेस है जो कभी हमने सोचा भी नहीं था. नंबर टू ये है कि दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो दीस पीपल जो यहाँ पे लग रहे हैं बोल रहा हूँ कि दैट दे वर डेफिनेटली दे वर मिलिटेंट्स बट मैं ये कहता हूँ कि आपको दे वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ यू नो दे वर ऑल्सो विक्टिम ऑफ टेररिज्म. वाई वो कैसे विक्टिम ऑफ टेररिज्म उन लोगों को अप्रोक्स में जिनका मैंने आपको नाम दिया कि 18-17,000 जो यहाँ पे मिलिटेंसी थे मेजोरिटी ऑफ द पीपल नो दे आर द विक्टिम ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर इंडोक्ट्रिनेशन दे आर द विक्टिम्स ऑफ जमात इस्लामी दे आर द विक्टिम्स ऑफ हुर्रियत जिन्होंने उन लोगों को आप बताइए ना मुझे बुरहान मानी उसको ये बोला कि जनाब आप जान दे दो आप लड़ो आपको आज़ादी मिल जाएगी उसने जान भी दे दी ठीक है. अब वही जमात वाला अब वही हुर्रियत वाला जो बोलता था आज़ादी के लड़ो अब जब गवर्नमेंट ने उसको टाइट किया बोला आप हवाला पैसा नहीं आएगा अब आपको बिजनेस नहीं करने देंगे उसने किया हैंडसम ही कॉम्प्रोमाइज उसने छोटे सी चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया उसको जान दिलाई उसने जान दी वहां पे. तो कहने का मतलब है कि दैट दे वर टोटली मिसअंडरस्टूड उसको रेडिकलाइज किया गया उनको ब्रेन वॉश किया गया अगेंस्ट स्टेट उनको यही कहानियां सुनाएगी एंड दैट्स व्हाई दैट्स द रीजन वो उनको बनाया गया वो दे बिकेम द मिलिटेंट दे चूज गन. तो कहने का मतलब है कि दैट आई मस्ट यू नो टेल यू दिस थिंग कि दैट जो ये एलिमेंट्स थे यहाँ पे सेपरेटिस्ट थे जमात इस्लामिया की जो कल तक आज़ादी बोलती थी फ्री पाकिस्तान बोलते थे हमें लड़ना है जिहाद है बाकी चीजें इसी के तो आज वही चीज उन्होंने अपना वो स्टैंड चेंज कर दिया. तो कहने का मतलब ये कि दैट डेफिनेटली एक हमारा जो कंसेप्ट है कि दैट जो गन उठाएगा ही बिकम वो हमारा रोल मॉडल है. एंड वी यूज्ड टू सेलिब्रेट द फ्यूनरल्स हमने देखा है उसमें लाखों की भीड़ आप देखो ना कौम कैसी हमारी एक सोसाइटी कैसी बनी थी कहाँ पे जा रही थी आप देखो कि दैट जो अगर कोई मरता मर जाता है तो मातम होता है बट वी यूज्ड टू सेलिब्रेट दिस यू नो दिस फ्यूनरल्स वहां पे गन शॉट दिए करते थे. आप कभी गए हैं ऐसे नहीं डेफिनेटली फ्यूनरल्स तो हम डेफिनेटली वो तो हम समझते थे कि हमारा हक है फ्यूनरल पे जाना. मैं बोल रहा हूँ कि दैट फ्यूनरल पे जाके फिर जो गन सलूट मिलता था जो शॉट मिलते थे वहां पे हर कोई तस्वर करता है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे फ्यूनरल में 1,00,000 नहीं 2,00,000 करना चाहिए और साथ साथ में मेरे फ्यूनरल में भी गन शॉट होने चाहिए. ये काइंड ऑफ ना जैसे रोल मॉडल होता है हमारा आपका रोल मॉडल कोई डेफिनेटली कोई IAS ऑफिसर होगा कोई साइंटिस्ट होगा कोई रिलीजियस प्रीचर होगा बट हमारे जो रोल मॉडल्स वो लोग बने थे कि जिनके फ्यूनरल्स होते थे जिनके 1,00,000 2,00,000 होते थे फ्यूनरल्स होते थे. सो ये एक सोसाइटी बनी थी एक ऐसा इस चीज को एक्सेप्टेंस मिल रही थी यहाँ पे नीदर उनको कोई काउंटर करने के लिए ये बताने के लिए सही चीज बताने के लिए कोई बंदा ही नहीं था. अगर वो बोलता भी कोई तो उसको थ्रेट आती थी वो इसको मारा जाता था और ना तो स्टेट की तरफ से कोई मदद मिल जाती थी ना कोई सेंटर की तरफ से कोई मदद मिल जाती. ये चीजें हमारे दिमाग में बट यस फ्रॉम कुछ सालों में मैंने देखा है आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि यू सेड दैट कश्मीर वाज अ ग्रेवयार्ड एग्जैक्टली सो व्हाट हैड चेंज्ड इन द लास्ट 5 years आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317. सी मैं इन शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि दैट मैं ये कह सकता हूँ कि एक इंसान को समझ आई है एक लोगों में तसव्वुर आया कि जान क्या है मेरी फैमिली क्या है और मेरा मेरा जो मेरे मेरा जो कश्मीर है वो कैसे प्रॉस्परस हो जाए मेरे मरने से मेरे घर की तरक्की हो जाएगी मेरे मरने से मेरी माँ बाप खुश रहेंगे मेरे बर्बाद होने से मेरी फैमिली ठीक रहेगी ये कश्मीरी में समझ आई है वो फजूल में जान नहीं देगा उसको समझ आए कि जो रियल जहाज है वो अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड रहना उनके साथ रहना उनकी मुसीबत में साथ रहना उनकी खुशियों में साथ रहना ये कश्मीरी को समझ में आया. और साथ साथ में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट है LG एडमिनिस्ट्रेशन है जिस तरह की जो उन्होंने स्टेप उठाए इफ समबडी इज अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिसिएशन मिल रही है अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको कोई थ्रेट देने वाला हो बहुत सारे होते थे तो उनके खिलाफ एक्शन ली जा रही है. अगर कोई टेरर को स्पॉन्सर कर रहा है अगर कोई टेररिज्म फैला रहा है बाई प्रीचिंग बाई स्पॉन्सरिंग उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है. सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये समझ आए कि जनाब मेरे लिए बेहतर क्या है और मेरे लिए खराब क्या है. आप देखोगे दैट जस्ट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 उसके पहले हर साल यहाँ पे 90 लड़के हर 100 लड़के तो मर जाते थे सिविलियंस की बात कर रहा हूँ यानी स्टोन पेंडिंग या बाकी चीज़ों में. आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक कैजुअलिटी भी नहीं हुई यहाँ पे
दिस इज वट जहां मैं बोलता हूँ कि अचीवमेंट है. सर सेकेंड बात ये कि दैट हड़ताल जो कंटिन्यू हुआ करते थे हफ्ते में 4 बार, उसके बैड 100% अटेंडेंस रही है हमारे स्कूल्स में. कोई 8 घंटे भी बंद नहीं रहा स्कूल. गवर्नमेंट ऑफिस 24 घंटे खुले हैं. एक ट्रांसपेरेंसी आई सिस्टम में, अगर कोई गलत करे उसके खिलाफ एक्शन है. एक करप्शन फ्री स्टेट होगी जहां पे हमें 15 दिन लगते कोई काम करने, वो आज 2 घंटे में काम खत्म हो जाता है, वो अब 10 मिनट में काम हो जाता है. आज वो निजाम ये कि जहां पे आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी सुपारी उससे करेंगे, ये उससे करेंगे. आज डायरेक्टली आप LG से पहुंच सकते हो, आज डायरेक्टली आप प्राइम मिनिस्टर आप बेल कर सकते हो, आप उसको वहां पे ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हो. तो कहने का मतलब देयर आर मेनी थिंग्स. आप देखोगे दैट जहां पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं मैं, आप जहां पे यहां की कश्मीरी बेरोजगार थे स्टोन पेंडिंग में, जहां पे बेरोजगारी की वजह से हमारे कौमे बर्बाद हुई थी, बच्चे बर्बाद हो गए, जवानियां बर्बाद हुई. आज देखो मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक सिक्योरिटी रही है कि हमें ये बताया जा रहा है कि हमें ये बोला गया, हमें ये करके दिखाया गया कि जनाब अगर आप कोई भी काम करोगे यू आर सेफ. आप करो, आप देखो कि लास्ट 2022 में अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पे आए, सेम 2023 में अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पे आए. वो जहाँ पे रहे, वो शिकारा में रहे, वो गुलमर्ग गए, वो पहलगाम गए, वो पूरे कश्मीर गए, और उस चीज वो कहाँ बैठे, उन्होंने कहाँ खाया, कहाँ पे, और डेफिनेटली उस चीज से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट थी ग्राउंड लेवल वो जनरेट हुई. आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की, तो कश्मीर के संदर्भ में जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात होती है तो समाज में एक तबका है जो कहता है और ये आरोप लगाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीरियों को का दमन किया है, उनके ऊपर अत्याचार किया. एक वर्ग ऐसा है कहता है कि उन्होंने महिलाओं के साथ रेप किया है. आप क्या सोचते हैं? सी जितना मैं 96 बॉर्न एंड मैंने देखा है इस कि डेफिनेटली ये चीज़ हुआ करती थी कि मैं भी कभी सवाल करता था जब मैं घर से निकलता था. मुझे सिक्योरिटी पर्सन रोकते थे, फिर मुझे कार देते थे कहाँ से हो. तो मैं ये सोचता था कि जनाब मैं कश्मीर का हूँ, मुझे मेरे घर में क्यों रोकते हैं. देन आई अंडरस्टूड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, जैसे जैसे हालात नॉर्मलाइज हो गए, वो जो बंकर सोड भी हुआ करते थे, वो जो चेकिंग हुआ करती, वो ऑटोमेटिकली गायब हो गई. देन वी एज अ कश्मीरी वी अंडरस्टैंड जब तक वायलेंस यहाँ पे रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेस का काम रहेगा यहाँ पे, बिकॉज दे नीड टू प्रोटेक्ट दैट. यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ के अमन को बरकरार रखना है, हमारी जो क्या बोल सकते हैं उसको, हमारी जो कौमियत है, हमारी जो कंट्री को उसको महफूज रखना है. उसके लिए आपको हमें सख्ती उठानी पड़ेगी. उस चीज़ के लिए जितना हम अमन की तरफ जाएंगे उतना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लीज ये हमें देखने को नहीं मिलेगा. वी हैव सीन दिस थिंग एग्जाम्पल से आप देखो कि जहाँ पे अगर आप साउथ कश्मीर जाओगे डर लगता था वहाँ पे जाने का. सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको. आज देखो सबसे बड़ी कश्मीर की जो रैली वो वहाँ पे पुलवामा में निकली, तिरंगा रैली. तो इतने सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे हुआ करते थे, इतने सारे इंगेजमेंट्स हुआ करते थे. आप देखो खेलो इंडिया बारामूला में, कहने का मतलब ये कि देयर आर पीपल हु आर ऑलवेज मिसलीडिंग पीपल. जो लोग कश्मीर से जनाब उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स से ये किया. यू नो जब मैं पहली बार एक ऑफिशियल से मिला था आई वाज नॉट अवेयर, मुझे भी लगता था ये जालिम है. जब मैं उनसे मिला उनकी ऑफिस में गए थे ना गॉट नो कि जब उसने मुझे अच्छे से बात की देन ही टोल्ड मी लेट्स टॉक व्हाट ही सेड. आई रिमेंबर दोस वर्ड्स, मुझे याद है कि काइंड ऑफ जिसकी वजह से मेरी लाइफ और मेरे साथ साथ बहुत से लोगों की लाइफ बनी. दैट वाज कि दैट उसने बोला कि दैट पता है सबसे जो आसान काम है वो क्या है, सबसे आसान काम वो क्या है. आई सेड व्हाट, सो ही रिप्लाइड सबसे जो आसान काम है दैट्स मरना. आप क्या बोल रहे हो मरना आसान काम है? कि भाई साहब आप ड्रग्स ले लो, आप गाड़ी के नीचे आ जाओ, आप मिलिटेंट बन जाओ, गन उठाओ, या आप जहर करो, हो गया. ये सबसे बड़ा आसान काम है, कोई भी कर सकता है, एक लूजर ही कर सकता है. बोला सबसे मुश्किल काम क्या है? आई सेड व्हाट, आप बताइए क्या है. तो सबसे जो मुश्किल काम है वह जीना, जिंदा रहना, जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस करना, उनको जीतना, वो होती है असली मतलब वो जिंदगी होती है. उसके साथ साथ टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर कश्मीर एंड फॉर होल ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत के लिए आप कुछ ऐसा करो जिनको आपकी वजह से उनको फायदा मिले. लाइक जिसने गूगल मैप बनाया, मोबाइल फोन बनाए, यू नो बाकी जो चीज़ें जिनकी वजह से हम क्या जिनको फ़ायदा मिल रहा है हमें. सो वो चीज़ें करो कि जिनकी वजह से आपको आपकी वजह से लोगों को फ़ायदा मिले. एंड मुझे लगता है कि दैट वॉज अ प्राइम यू नो मोमेंट मेरी लाइफ में, जो मैं मुझे लगता है कि मेरे लिए वो खुदा का करम था कि उन ऑफिशियल से मिला मैं. एंड टोटली मेरी लाइफ चेंज होगी इन चीज़ों की वजह से. एंड यही चीज़ मैं हमेशा हर जगह पर बोलता हूँ, दैट वॉज टोटली यू नो काइंड ऑफ रियली इंस्पिरेशन ये बात थी. एंड साथ साथ में जिस जहाँ पे मैंने प्रोग्राम्स किए ये चीज़ें मैं बोली है, मैंने बोली है. एंड वजह थोड़ा पीछे चलते हैं.
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कभी आपने आजादी के नारे लगाए, और आजादी के जब नारे लगाते थे, तो दो चीजें यहाँ बहुत कॉमन हुआ करती थी कि आजादी के नारे, और दूसरी एक कहानी चलती थी कि जो पत्थरबाजी के पैसे मिले। इस दोनों में एक तो पत्थरबाजी के पैसे मिलते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, और दूसरा जब आजादी के नारे लगाने के लिए आजादी का मतलब क्या समझाया जाता था कि आप लोग आजादी के नारे लगा। सी पहली बात तो ये कि दैट यू नो आई डोंट नो अबाउट मनी एंड ऑल दैट, मैंने कभी रिसीव नहीं किया दैट यू नो कि दैट किसने रिसीव किया, बट देयर वर एलिमेंट्स जिनको फंड होता था बाकी चीजें, बट यस जो ऑन ग्राउंड जो लोग थे हमारे जो लोकल्स थे उनको पैसा वगैरह नहीं मिलता था, बट देयर वर पीपल जो ऑर्गेनाइज करने में मोबालाइज करने में वो चीजें करते थे, देयर वर उनको पैसा उनको डेफिनेटली मिलता था, बट आई वैसे हमें कुछ नहीं मिला था, वी वर काइंड ऑफ अ रैंडम गाइस जो शोकन जाते थे जो देखते थे बाकी चीजें बाकी लोग कर रहे हैं एग्जैक्टली तो हम जाते एंड व्हेन इट कम्स टू द आजादी का मतलब क्या था, डेफिनेटली आजादी का मतलब हमें सिखाया दैट इज अ ला इलाहा इल्लल्लाह, यू नो आजादी को कनेक्ट किया गया था हमारे मजहब के साथ, मजहब के साथ कि दैट आजादी का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, इफ यू आर नॉट विद आजादी देन यू आर नॉट अ मुस्लिम, सिंपल सी बात है, एंड एक आम सा बंदा एक नॉर्मल सा बंदा वो ये सोच रहा था कि इफ आई एम नॉट विद आजादी मैं तो जहन्नम में जाऊंगा, मैं तो इस्लाम का हूं ही नहीं, फिर मैं तो मुसलमान ही हूं ही नहीं। आपने पाकिस्तान की बात की तो कभी एक वक्त था जब यहाँ पे भी पाकिस्तान के साथ जाने के नारे लगे, आपको भी कभी ये एहसास हुआ कि कश्मीर आजाद हो जाता हम पाकिस्तान के साथ चले जाते, ये ऐसी फीलिंग कभी आपको आई? सी एज सच तो आई मतलब पाकिस्तान का जो जो मेरा जो हम लड़के वगैरह थे इज जस्ट एज सच तो पाकिस्तान का ऐसा कुछ नहीं था, बट यस आज़ादी का बड़ा ये क्रेज था, बट ये था कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है आज़ादी लेने में, जब मैं जब हम स्कूल में हुआ करते थे हमें पता था कि आप पाकिस्तानी वी यूज टू कॉल द मुजाहिद एंड ऑल दैट, ठीक है एक कंसेप्ट था, यू वुड नॉट बिलीव जब उसामा बिन लादेन जो कंसेप्ट जो उसामा बिन लादेन था मतलब उसको इस तरह से तस्वर किया इन लोगों ने जो यूट्यूब देखते थे बाकी चीज़ें देखते थे, वो हमारे लिए मतलब ऐसा लगता था कि ही इज़ अ रोल मॉडल उसामा बिन लादेन, एग्जैक्टली वो क्वालिफाई किए मुल्ला उमर से लोगों को यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलती थी, उनको जस्टिफाई किया जाता था सीरियसली, अब वो बाकी छोड़ दो ऐसे इंटरनेशनल टेररिस्ट को यहाँ पे जस्टिफाई किया जाता था, हूसएवर यहाँ पे देर वर सम प्रीचर्स हुआ जस्टिफाइंग द मुल्ला क्या नाम थे उसको उमर कमाल बगदादी, बट लेटर देवर अरेस्टेड दे एक्सेप्टेड दिस थिंग नो 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 ही इज नॉट अ दिस मुजाहिद नो ही इज अ वेरी टेररिस्ट एज सिंपल एज दैट, तो कहने का मतलब ये कि दैट एक सोसाइटी थी जहाँ पे आई मस्ट टेल यू दैट ना कि एक साइड से देखो हमारा काम था हमारी गवर्नमेंट का काम है दैट वाज मेनस्ट्रीमिंग आवर यूथ उनको आइडिया ऑफ इंडिया बताना क्या है, मेजॉरिटी आप लोगों को बता दें कि आज़ादी है क्या, दे वर नॉट अवेयर कि आज़ादी है क्या, जनाब हमारी सिक्योरिटी छोड़ दी वो जो गवर्नमेंट कर सकती जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आता था हमारे जनाब हमें वो नहीं है वो ग्रीवेंस है, जब हम लोग जो वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो तो यार वो हम तो ऑलरेडी आज़ाद है, ठीक है तो कहने का मतलब दी गई कि दैट पाकिस्तान का डेफिनेटली एक रोल रहा है यहाँ रोल के रहा है, आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम बट एक रोल रहा है उनका रोल के रहा है उनका जिस बिकॉज ऑफ दैट कंट्री यहाँ पे मिलिटेंसी को प्रो किया गया फंडिंग की गई लोग यहाँ लोगों को बर्बाद किया गया, सो तीन डिजिट्स हमारे बर्बाद किए लाखों करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, कितने सारे डिसेबल हो गए कितने सारे यतीम हो गए कितने सालों के बच्चे ये मारे गए, सो आई डोंट थिंक सो वो फॉर्म कभी तरक्की करेगी। अच्छा कभी आप पत्थरबाजी के लिए जेल गए क्या? नहीं मतलब मैं I must tell this thing that I'm very thankful to Almighty Allah. You know, since जब हमने start जब हम ये जाते थे बाकी चीज़ें करते थे तो वहाँ पे I met with the officer. I don't want to mention his name here. So just because of this, जो मैंने आपको बोला कि that who told me कि जीना क्या है और मरना क्या है and it's just because of that officer. You know, मेरी life बच गई and वरना मेरी भी जेल हो मैं भी जेल में होता मेरी भी FIR कट जाएगी. So on a priya एक मेरी life का जो जब 12th मैंने क्वालिफाई किया था तो उसी दौरान एंड वो मुझे मिले एंड उस टाइम मेरी एज भी उतनी नहीं थी जब मैं माइनर था उस टाइम पे एंड वो चीज़ तक कर गई मैंने तो ग्रेट ऑफिसर ग्रेट 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 ऑफिसर जब वो मुझे मिले एंड डेफिनेटली दैट उसने एक बात से और उसके बाद जो प्रोग्राम्स में आए जो लोगों के सवालों के जवाब दिए जो ग्रीवेंसेस थी अगर कुछ गलतियाँ हुई उनकी तो उसने एक्सेप्ट किया और जो चीज़ें ठीक करनी चाहिए उन्होंने वो ठीक कराई एंड टोटली देन आई अंडरस्टैंड जनाब और सबसे बड़ी देयर आर अदर पीपल जो स्टोन पैडिंग में थे उनको बोला कि दैट वी विल नॉट रजिस्टर द अफेयर आप बस सोचो कि असल क्या है सही क्या है जो गलत क्या है दे ऑल्सो अंडरस्टैंड
अगर FIR मुझे मिलता ना उस टाइम पे, शायद मैं भी पता नहीं कहाँ पे होता। अगर उन लड़कों भी FIR मिलता ना, आई मैं ये कहता हूँ कि आप, मैं कोई तारीफ नहीं करूँगा इसके लिए, बट देर आर आर्मी, इंडियन आर्मी का बड़ा रोल है, डेफिनेटली दे आर प्रोटेक्ट, दे आर द सेवियर्स, दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ इंडिया। बट पुलिस तो मैंने बहुत देखी है, बट जब पहले इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ना, देखिए चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे वो राशन का इशू हो, चाहे वो सैलाब में जो लोग फंस रहे थे यहाँ पे, चाहे वो जलजले में लोग मर रहे थे यहाँ पे, जम्मू कश्मीर पुलिस इज ऑलवेज देयर फॉर यू, वेदर काउंटर टेररिज्म हो, कोई भी चीज़ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस इज ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड आई अप्रिशिएट आवर पुलिस। एंड चाहे वो लोगों को रिहेबिलिट करना, लोगों को काउंसलिंग करना, एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई ऐसी कहानी है जो पत्थरबाजी के दिनों की जो आपके जहन में हो, और आप कभी सोचते हो कि ये मैं क्या कर रहा था उस वक्त, कोई ऐसी याद है कुछ चीज जो बाद में आपको रियलाइज हुआ कि हम गलत कर रहे थे या मैं बच गया, ये बहुत बड़ी बात है उस समय की, कोई ऐसी कहानी? There are many things, ये तो सबसे बड़ी बात है यही कि दाड़ियों मेरे लिए जो मैं कर रहा था, शायद मैं भी आज पता मर गया होता या फैन लगा होता या पता नहीं कहाँ पे होता। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी स्कूली तो यही है, एक जहालत से निकल के एक ऑफिसर से मिला, एंड ही चेंज टोटली माई लाइफ, एंड आई कम्प्लीटली, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मीटिंग मैंने कंटिन्यू स्टडी किया, कम्प्लीट माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, यू नो आई स्टार्ट माई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। आई यू नो इन 2020 वी गॉट टू अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यूरोपियन यूनियन आल्सो, तीन साल का प्रोजेक्ट हमें ऑन रेडिकलाइजेशन। सो नाउ यू आर वर्किंग फॉर द कश्मीरी यूथ्स, एग्जैक्टली, तो व्हाट इज द मैसेज यू वांट टू गिव टू द यूथ्स ऑफ कश्मीर? सिंपल सही मैसेज जो मुझे मिली है, एंड जस्ट वांट टू टेल एवरीवन, दिस इज द ओनली मैसेज, यू नो लिव योर लाइफ, अपनी जिंदगी जी लो, कंट्रीब्यूट योरसेल्फ, कंट्रीब्यूट फॉर योर फैमिली, एंड कंट्रीब्यूट फॉर दिस होल यूनिवर्स।